क्वेश्चन है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, है ना। जब क्वेश्चन आप पूछते हो साथ में ये बताओ कि आप एमए कौन सी करना चाहते हो, तो एडिशनल गाइड करना इजी हो जाता है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है फर्स्ट। आपने तीनों सोशल साइंसेस पढ़ी हैं, अच्छी बात है। आपका हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ओके, और सोशियोलॉजी हो गया। ये जो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोल साइंस, क्योंकि स्कूल सब्जेक्ट हैं सोशल एसएसटी के। 3 साल आपने पढ़े हैं, अगर ये रहा 3 साल का क्राइटेरिया, एडिशनल आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इलेक्टिव हैं ये, बन रहे हैं आपके टीजीटी के लिए, आप डायरेक्ट एलिजिबल होगे। तो एसएसटी आपको लेना ही पड़ेगा, एसएसटी आपका बनता ही, आपके लिए दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, सेकंड सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल डायरेक्ट नहीं बन रहे, क्योंकि आपने नेचुरली जनरल पंजाबी और जनरल या जनरल इंग्लिश पढ़ी होगी, अगर आपने पंजाब की यूनिवर्सिटी से की है। तो फिर आपको दूसरी ऑप्शन इनके साथ, मतलब एसएसटी पंजाबी, ये एक आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, जहाँ दूसरा एसएसटी इंग्लिश बन रहा है। तो इंटरेस्ट किस में है, पंजाबी में, नॉलेज किस में है, पंजाबी में या इंग्लिश में, जिसमें ज़्यादा है पंजाबी या इंग्लिश में से उसको चूज़ कीजिए। दूसरी बात है कि आपको ये करने के बाद 3 साल का ये वाला एडिशनल, पहले नहीं था ना देना, ये एडिशनल बीएड का तो हो गया, एडिशनल ग्रेजुएशन का, ये ब्लू कलर वाला, ये आपको देना पड़ेगा। 3 साल के पेपर, दो दो होंगे, ये 6 पेपर 1 महीने में हो जाएंगे। एक वीडियो है उसमें बताया गया है, एडिशनल पेपर बीएड का है, एक एडिशनल पेपर बीए का है ना, दूसरी यूनिवर्सिटी का भी आ गया होगा, अब नीचे देख लेना लिंक, तो वो आप देख लीजिए। वो आप अगर सेम यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो आप साथ साथ में ये एडिशनल पेपर दे सकते हो। ये बात, इस वीडियो का फायदा आपको ये होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से ही बीएड कर रहे हो, तो आप साथ साथ में ये दे सकते हो। लेकिन वो आप वीडियो एक बार देख लेना कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में एडिशनल बीए के पेपर कैसे, क्या क्या उसका डिटेल बहुत काफ़ी है, वो आपको सारी जानकारी पहले से चाहिए। तो ये आपको करने पड़ेंगे, आपका एसएसटी पंजाबी या एसएसटी इंग्लिश आपका बनता है। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज। हाँ, एक एक चीज़ और, ये आपने एमए कौन सी करनी है, ये दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, जो एमए करनी है उसको जरूर लीजिएगा। थैंक यू।